नमस्कार साथियों, आज हमारा 37वां दिन, आज हम शब्द चिन्ह का भाग 7 सीखेंगे। 6 भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका 7वां भाग है। सबसे पहला शब्द चिन्ह है हमारा इस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सी बनाते हैं, ये हो जाता हमारा इस, इसको हम इस कहते हैं। छोटा सा सी बनाऊंगा लाइन के ऊपर, तो इसे मैं पढ़ूंगा इस, इसी को मैं लाइन टच कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा इन। ठीक है, ये सी बनाया मैंने, लाइन के ऊपर है तो इस होता है, लाइन टच कर दूंगा तो इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इस में एक छोटी सी रेखा नीचे की साइड निकाल देंगे, तो इसे हम इस पढ़ते हैं। देखिएगा, ये इस था और इसी में अगर मैं रेखा निकाल दूं तो इसे मैं इसे पढ़ूंगा। ठीक है, ये सी बनाकर मैंने इसमें हल्का सा रेखा निकाल दी, तो ये मेरा इसे होता है। ठीक, तो हमने इस सीख लिया, इन सीख लिया, इसे सीख लिया, अब इसने सीखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पहले इस बना लेंगे, अब ने के लिए हम इना इस रेखा को नीचे लाएंगे। ठीक है, ये था हमारा इस, अब इस ने के लिए क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर रेखा लगाएंगे जो नीचे की साइड आएगी, ये हो जाएगा इस ने। ठीक है, एक रेखा जो नीचे की साइड आएगी, सीधे नहीं, तिरछी। ठीक है, तो उसे हम इसने पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये था हमारा इस और यहाँ पर सीधी रेखा निकाल दूंगा तो मैं को, देखिए था ये हमारा इसने था, अब इसको लिखना है, तो ये सीधी रेखा नीचे हो जाएगी तो इसे, टेढ़ी हो जाएगी तो ये इसने, और यही रेखा वापस इसके साथ सीधी हो जाएगी तो ये हो जाएगा इसको। ठीक है, अब इस में लिखना है तो यहाँ पर हम इस लिखकर उसमें म जोड़ देंगे, तो उसे हम पढ़ेंगे इसमें। देखिएगा, ये था हमारा इस और ये हो जाएगा मैं, एक बार फिर से देखिए, ये था हमारा इस, अब मैं जोड़ना है तो इसमें म जोड़ दूंगा मैं, तो इसमें देखिएगा, हाथ नहीं उठाना है, ये इस, ये मैं, इसमें। ठीक है, अब इस पर लिखना है तो ये हमारा था इस, और इसी में अगर मैं पर र जोड़ दूंगा तो इसलिए मैं पढ़ूंगा इस पर, देखिएगा ये इस, ये पर, तो ये हो जाएगा इस पर। इन हो गया था हमारा, इन्हें के लिए जैसे हमने इसे के लिए लाइन टच, लाइन के ऊपर रखा था, उसी को अगर लाइन टच कर देंगे तो इसे हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें के लिए क्या करेंगे, हम जैसे हमने इसने के लिए करा था, सेम टू सेम इनने के लिए इसको लाइन टच कर देंगे, ये है इन ने। ठीक है, अब इनका, इनकी, इनके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम लाइन टच करके सी लिखेंगे और एक रेखा ऊपर की साइड ले जाएंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे इनका, इनकी, इनके। इनको लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको लिखा था वैसा का वैसा ही उसको लाइन टच कर देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये था हमारा इसको और इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये हमारा इनको हो जाएगा। इस इन से लिखना है, इन से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन लिखकर स उसमें जोड़ देंगे, स उसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इन सी। इससे के लिए हम क्या क्या कर रहा था, इससे के लिए, इससे नहीं लिखा क्या, ठीक है, इससे एक शब्द चिन्ह और है, इस से, ठीक है, इसे आप लिख लेगा इससे, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, इस लिख देंगे लाइन के ऊपर पहले और उसी में स जोड़ देंगे, हाथ नहीं उठाना है, ये इस से, तो इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये इन से, लाइन के ऊपर इस और लाइन के लाइन के ऊपर इस और लाइन टच होते ही इन। अब इन में लिखना है तो यहाँ पर मैं सी लिखकर म जोड़ दूंगा तो ये इन में, इसमें जैसे हमने बनाया था ना, इसमें हमने जैसे बनाया था सेम टू सेम इन में। अब उन लिखना है तो यहाँ पर हम व का इस्तेमाल करेंगे, छोटे से व का। ठीक है, ये व जो है, ये छोटा सा व अगर लाइन टच कर दिया तो हमने उन
का हमारा शब्द चिन्ह बन जाता है। ठीक है, उन्हें के लिए हमने क्या करा, ये व लिखकर एक रेखा नीचे निकाल दी। देखिएगा, ये व लिखा और इसमें एक रेखा नीचे निकाल दी, तो ये हमारा उन्हें हो जाएगा। ये उन है, उन से के लिए क्या करा हमने, उन लिखकर उसमें स जोड़ दिया, तो ये हमारा उनसे हो जाएगा। ये उन से, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आप थोड़ा छोटा बनाइएगा और हाथ नहीं उठाना है। ये उन से, उन से, ठीक है, उन है, ये उन, ठीक है। अब उन में लिखना है तो यहाँ पर हम उन लिखकर उसमें म जोड़ देंगे, तो ये उन में हो जाएगा। ये उन में, उन पर लिखना है तो ये उन लिखकर उसमें पर र जोड़ देंगे, तो ये उन पर। अब उनका उनके उनके लिखना है तो ये उन लिखकर एक रेखा वापस पीछे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा उनका उनकी उनके। उम्मीद है ये सारे शब्द चिन्ह आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम इसके आगे के शब्द चिन्ह सीखते हैं। तो साथियों, ये आगे के शब्द चिन्ह हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द चिन्ह है आप, तो आपके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प का इस्तेमाल करेंगे। लाइन के ऊपर प लिख दूंगा, लाइन के ऊपर अगर मैं प लिख दूंगा तो वो मेरे लिए आप हो जाएगा। आप ने लिखना है तो यहाँ पर मैं आप लिखकर ना जोड़ दूंगा, आप ने हो जाएगा मेरे लिए वो, आप ने, ठीक है। आप से लिखना है तो प लिखकर मैं स जोड़ दूंगा, तो ये मेरे लिए आप से हो जाएगा। आपके लिए हमने प का इस्तेमाल करा, आपने के लिए हमने आप लिखकर न का इस्तेमाल करा, आप से में क्या करा हमने, प लिखकर स का इस्तेमाल करा। जो लास्ट शब्द है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए हमने एक शब्द चिन्ह डिसाइड कर लिया है। आपका आपके आपके के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखकर प लिखकर एक सीधे डंडे का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए आपका आपके आपके हो जाएगा। देखिएगा, ये आप और ये का की के, ठीक है, तो इसको हम आप लिखेंगे, आप सॉरी, इसको हम आपका आपकी आपके, इन तीनों के लिए इसी शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है। आप मैं लिखना है तो आप लिखकर म का इस्तेमाल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर आप मैं हो जाएगा। आप पर लिखना है तो आप लिखकर प और र का इस्तेमाल करूँगा, जिससे ये आप पर हो जाएगा। किस लिखना है तो ये हमने क और स का इस्तेमाल करा लाइन टच करके, तो इसे हम किस पढ़ते हैं। अब किसे लिखना है तो हम क्या करेंगे, क स उस ख का बाद सॉरी किसे लिखना है तो किस तो हमने लिखी दिया, अब एक ही मात्रा के लिए हम छोटा सा डंडा बाहर निकाल देंगे स का, तो इसे हम किसे पढ़ेंगे। देखिएगा, ये किस था हमारा और किसे के लिए हमने, ये हमारा किसे है, किस किसे, ठीक है। अब किससे लिखना है तो हम क्या करेंगे, किस लिखकर स लिख देंगे, तो इसे हम इसे पढ़ेंगे किस से। अब किसका किसके किसके लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस लिखकर इधर डंडा निकाल देंगे, तो इससे हम पढ़ेंगे इसको किस का किस की किस के, ठीक है। देखिएगा, ये तो हमारा किस, अब इसी में अगर मैं इसको इधर रख दूँ तो इसको मैं पढ़ूँगा किसका किसकी किसे किसके, किसका किसकी किसके, ठीक है। अब किस में लिखना है तो ये किस और ये यहाँ पर ही मुझे माँ बनाना है, ठीक है। देखिएगा, ये था मेरा किस और इसी में अगर मैं बाहर निकाल के छोटा सा माँ बना दूँ तो इसे मैं पढ़ूँगा किस में। एक बार फिर से देखिएगा, हाथ नहीं उठाना है आपको, रेगुलर चलाना है। ये किस बना दिया, डंडा बाहर निकाल कर उसी में माँ जोड़ देंगे, तो इसे हम किस में पढ़ेंगे। अब उन्होंने लिखना है, ये था हमारा उनका शब्द चिन्ह। ह के लिए हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा डंडा निकालकर वापस से ने के लिए ये वाली लकीर खींच दी। जब भी ने का शब्द चिन्ह का इस्तेमाल होता है, लास्ट में ने आता है तो हमेशा ऊपर की साइड डंडा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये उन, ये हो, ये ने, देखिएगा, ये था उन, ये हो और ये ने, उन्होंने हो गया। हमारा किस पर छूट गया था, ठीक है। किस पर के लिए हम क्या करेंगे, किस लिखकर पर जोड़ देंगे, तो ये किस
पर हो जाएगा, ठीक है। जिन होने लिखना है तो ये जिन कर, ये जिन हो ने, ठीक है। देखिएगा फिर से, ये जिन था, ये हो, ये ने, ने में हमेशा डंडा ऊपर की साइड ही जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ये ऊपर की साइड जाएगा हमेशा डंडा ने में, ठीक है। किन होने लिखना है तो ये हमारा किन, ये हो, ये ने। किन के लिए क्या करेंगे हम, क और न लिख देंगे, हो के लिए ह का गोला बना देंगे, और ने के लिए हमेशा ऊपर की साइड जाएगा डंडा। देखिएगा फिर से, ये था हमारा किन, ये हो, ये ने। फिर से देखिएगा, ये किन था, ये हो था, ये ने था, किन होने, ठीक है। अब इन होने लिखना है तो ये इन था हमारा, ये हो, ये ने। इनका हमारा शब्द चिन्ह था, देखिएगा ये इन, ये हो, ये ने। अब उन्हीं लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन लिखकर ह का गोला बनाकर वी लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये उन, ह का गोला और ई की मात्रा, तो इसे हम उन ही पढ़ते हैं। किन ही लिखना है तो ये किन लिखकर ही लगा देंगे, तो ये इसको हम पढ़ेंगे किन ही, ये लाइन टच होके आएगा, ठीक है। मैंने ऊपर बना दिया पर आप लाइन इसे टच कर दीजिएगा। ये था किन, ये ही, ठीक है। ये क, न का आंकड़ा, ह का गोला, ठीक है, ये तीन चीज हमने बना दी। अब ही के लिए हम यहाँ पे वी बना देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे किन ही। जिन ही लिखना है तो ये देखिएगा, जिन ही लिखना है हम यहाँ पर जिसका इस्तेमाल करेंगे जिन ही के लिए, ये जिन ही, ज, ह का गोला और ई की मात्रा, तो जिन ही। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।